मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ, उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा रेसलिंग, जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से, मैं जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज पोर्ट्रेट, मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में, फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में, हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज़ का? क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या क्या नहीं है, किस लेवल का है? ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता है, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था, क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था, या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था, उनके साथ में जो हमारी विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था, मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोले कि दीदी क्या करें, मैं बोलूं बेटा मैं क्या करूं? ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें, मैं बेटा सिस्टम के साथ में क्या लड़ाई करें, हिम्मत कहाँ से लाए? आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए हैं। और हिम्मत ये हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, और हम भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम शांति से हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, नहीं तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे साथ हैं। और ऐसी चीज़ नहीं है कि हम या 20-30 आदमी आए हैं तो सिर्फ इसलिए, हम बस शांतिपूर्वक इसका समाधान चाह रहे हैं। बजरंग जी, डिमांड क्या है आप लोगों की, और आप लोगों की सीधी बातचीत और पहुंच प्रधानमंत्री तक है, फिर आप लोगों को प्रदर्शन पर क्यों बैठना पड़ रहा है, आपकी बात पहुंच क्यों नहीं रही ऊपर? देखिए, हम चाह रहे हैं कि भाई जो फेडरेशन है उसका बदलाव हो, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है, और हमें उम्मीद है कि अब भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे, और ये समाधान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जरूर करेंगे। बजरंग, आप एक वीडियो के बारे में बोल रहे थे जिसमें वो गाली गलौज, भैया एक बजरंग आप एक वीडियो के बारे में बोल रहे थे जिसमें नेता जी गाली गलौज कर रहे थे, जो आप बोल रहे हैं, हाँ जी भाई, उसके बारे में विस्तार से बताएं कि वो कौन कब की घटना है, कब गाली गलौज? वो अभी उधर की है, रांची की है, और पिछले नेशनल था, और कोई खिलाड़ी था वो उसमें शायद हरियाणा का ही खिलाड़ी हो कोई, तो उसको बोला था उन्होंने कि हरियाणा ने आज तक कोई नेशनल करवाया है, तो उसमें ऐसा अभद्र शब्द प्रयोग किया गया था जो मैं आप लोगों के सामने नहीं बता सकता क्योंकि हमारे साथ महिला खिलाड़ी भी हैं, और जो शोषण हमारे जो कुश्ती के साथ हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है। विनेश, आपने जो मेंटल टॉर्चर की बात की, आपने बहुत बड़ी बात भी बोली कि आप सुसाइड के बारे में भी सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना वक्त क्यों लगा आपको बाहर आके बोलने के लिए, या आज ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को लगा बस अब और नहीं, अब हमें बोलना है? देखिए, आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता है। ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे, जब लीजिए मतलब मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी, मैं ऐसे ऊपर में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरे पास जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, मैंने शिकायत किया, प्रधानमंत्री जी ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था, क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था, क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतना जो हमारा किट होता है वो इतना जीरो क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते, तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे? और मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1% कहीं पर ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग फोकस होना चाहिए, इस करके मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना था। जी मैंने सब बता रखा है, सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा, इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं आप ये? मैं सीरियस लगा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ होगा तो